कि करेन किस तरीके से मंदिर की जो बैठक है उसको तोड़ते हुए नजर आ रही है। ये एमसीडी प्रशासन जो दिल्ली में एमसीडी की सरकार आम आदमी पार्टी की है और उस पर भी ये चीजें ये देख सकते हैं, खुले आप मंदिर की बैठक को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके के दिल्ली में मंदिर को तोड़ना देख सकते हैं कि यहाँ पर निगम पार्षद भी मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ पर संत और पेड़ भी तोड़ा जा रहा है। जिस पेड़ का कोई कसूर नहीं उस पेड़ को भी एमसीडी की बुलडोजर ने यहाँ पर तोड़ना शुरू किया। ये है एमसीडी और यहाँ पर जो लोकल जन है उनसे जानते हैं कि ये क्या इस तरीके की कोई गतिविधि होने से पहले कोई नोटिस आया यहाँ? सर कोई नोटिस आया आप लोगों को? कोई नोटिस कोई नहीं और उसके बावजूद यहाँ पे तोड़ा फोड़ी का काम शुरू किया जा रहा है, ऐसा क्यों? मंदिर है इसलिए ये मंदिर है इसलिए तोड़ा जा रहा है। मंदिर है इसलिए इसलिए तोड़ा जा रहा है। अगर ये किसी का लेंटर डलता है या छज्जा डलता वो तो पैसे हो जाते हैं खत्म हो जाता है ना, पैसे दे दिए खत्म मामला। यानी एमसीडी सरकार पैसे लेने के बाद पैसे लेने के चक्कर में ये करती है ये सब, मंदिरों को तोड़ा जाता है। देख सकते हैं यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है और किसी को कोई कोई ये पार्क है, हमारा पार्क है, पॉकेट के अंदर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद बना रहे हैं पॉकेट वाले, किसी की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। फिर ऐसा यहाँ पर प्रधान है पॉकेट के, हाँ जी उन्होंने यहाँ प्रधान अपने लिए नहीं बना रहा है, प्रधान ने नहीं रोकने के लिए, हाँ जी मंदिर को तोड़ने से रोकने के लिए तो आप लोग खड़े हैं ना यहाँ? खड़े तो कहेंगे पर अब क्या करेंगे, प्रशासन के साथ हम निगम पार्षद पहुंचे हैं उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो जिस बात को दे रहे हैं लेकिन वही बात है जी, क्या करेंगे सरकार उनकी, सरकार उसके बावजूद एमसीडी में पैसे तो चढ़ावा तो नहीं चढ़ा ना जी, चढ़ावे के चक्कर में, हाँ जी तरफ से भी चढ़ावा चाहिए उन चढ़ावा और क्या जी, इसी चक्कर में आए हुए हैं। देखते हैं जी हम क्या किसी ने किसने किसी पर उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ के लोगों के उसके भी कार्रवाई हो रही है जहाँ पे टूट रहे हैं। वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, सुनो सुनो यही बिल्डिंग डिपार्टमेंट देख रहा है ठीक है, और ये हॉर्टिकल्चर है, हम ग्रीन साइड को देख रहे हैं, जो ग्रीन साइड से कब्जा करके काटा गया और उनको उसके जगह पक्का किया गया आरसीसी पर ठीक है। ये देखते हैं निगम पार्षद जी से जानते हैं कि यहाँ पर निगम पार्षद जी मौजूद है। सर ये जो कार्रवाई हो रही है ये क्या नोटिस या आम जनता को दिया गया था या सीधा एक्शन किया गया? इनको पता नोटिस वगैरह मुझे नहीं पता, अभी पता लगा मुझे, मैं भी पहुँच जाऊँ और बता रहे किसी ने कंप्लेंट की है क्या किया इनका सर। मंदिर को तो हम नहीं तोड़ने देंगे और मंदिर के जो चीज़ है वो बनेगी, जो मंदिर है मंदिर तो उससे भी भव्य बनेगा, लेकिन जो आगे इन्होंने जो ये किया है मैं तो चाह रहा था यहाँ भी एक लकड़ी का वो हो जाए जहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी आदमी बैठ के पूजा करना चाहे पूजा कर सकता है, तो उसी को देखते हुए अभी पता लगा तो आस्था पे बिल्कुल आस्था को टेंशन लिया जा रहा है जहाँ पर बिल्कुल एमसीडी की सरकार आम आदमी पार्टी। देखो मेरे मन से पूछो तो मेरा मन दुखी है, लेकिन एज पर रूल और एज पर लो मैं कानून के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकता। और देख सकते हैं यहाँ का यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी धक्का मुक्की करती है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर थोड़ा बोड़ी तो होगी, ऐसा क्यों मंदिरों पे क्यों ये चीजें आती है जान सकते हैं और देख सकते हैं लोकल जन से हम जानते हैं। ये अंकल जी ये जो मंदिर तोड़ा जा रहा है इसमें क्या कहेंगे? नहीं तोड़ना चाहिए तो ऐसा क्यों है यहाँ पर जो निगम पार्षद भी मौजूद है फिर भी उनके सामने पेड़ पौधे और लैंटर तोड़े जा रहे हैं जो नींव डाले? नहीं तोड़ना चाहिए। तो
तो इस पे पब्लिक मंदिर, क्या चाहती है? मंदिर तो पब्लिक तो ये आस्था का पब्लिक तो ये चाहती है कि मंदिर बने। मंदिर तो सभी का पवित्र स्थान है, सभी की आस्था पे ठेस सभी सभी की आस्था है। ये तो जन पब्लिक की आस्था पे ठेस ही है जी। जब कोई निगम पार्षद कोई एमसीडी सब सोसाइटियों का पानी आता है, अब गंदा पानी पीते हैं, अपना आया था पानी के बाद में देखा पानी डिमांड की इन लोगों अभी तक कोई डिमांड नहीं है।